जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं, और वो प्रश्न यह है कि हम कैसे 24 घंटे में अपने जीवन को बदल सकें। ऐसी कौन सी वो प्रणाली है, ऐसा कौन सा वो दिव्य उपाय है जिसे करने के बाद हमारा जीवन रातों रात बदल जाए। जब हम सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद हमारे लिए वो सारी चीज़ें अनजान हो जिन्हें हम अपने जीवन में लंबे समय से करते आए हैं। ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो सके। आज की वीडियो आप सभी लोगों को भ्रम से निकालने में कुछ हद तक सक्षम है दोस्तों, क्योंकि अब हमने फैसला किया है कि जहां चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी का ज्ञान आप सभी लोगों को जागृत कर रहा है, वहीं हम उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो ज्ञान, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है इन 6 सालों में, अब हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को उस ज्ञान से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं जिसके माध्यम से हो सकता है कि बहुत से लोगों के जीवन में कुछ सुधार आए। क्योंकि दोस्तों, हमसे बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछे कि हनुदास जी, आप एक अलग धर्म से हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिसका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब हम आज के हनुदास को देखते हैं, आज के इस व्यक्ति को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है। हो सकता है उस परमेश्वर ने एक नई देह का निर्माण किया हो और एक नई देह में उस पुरानी आत्मा का प्रवेश कराया हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत लंबी जानकारी है, जो भाप जाते हैं किरदार को देखते ही कि किरदार बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। उन लोगों ने जब हमसे ये प्रश्न पूछे तो हमने उन्हें सच्चाई बताई। क्योंकि दोस्तों, जब भी पूजा करके हम उठते हैं, हम अपने चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के चरणों में सिर्फ एक बात कहते आए हैं, और वो यही है कि हे चिरंजीवी गुरु पिता, हम अपनी जन्मों जन्मांतरों की कर्म इच्छाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमसे हमारी कर्म इच्छाएं ले लीजिए, बदले में हमें वो ज्ञान प्रदान कीजिए जो हमें मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सुखमय व्यतीत हो, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो जाए, तो कल मंगलवार का दिन है इस कार्य को करना। ये कोई उपाय नहीं है, जीता जागता एक उदाहरण है आपके सामने। इसलिए इस कार्य को करिए और फिर देखिए। जब भी आप रोज पूजा करें, इन पंक्तियों को अवश्य दोहराएं और उसके बाद घर में शंख बजाएं। अब बारी आती है कि हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि आप जिस प्रकार से बोलते हैं, जो आपका लहजा है, जिस प्रकार से आपकी वाणी गूंजती है, हमें ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से चिरंजीवी गुरु पिता हमें ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी जिज्ञासा लोगों के मन में उत्पन्न हो रखी है कि हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आज आप सभी लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो और आप भी उस रास्ते पर आ जाएं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रभु श्री राम के नाम का, यानी रामचरितमानस का। इसके अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त होता है? इसके अध्ययन करने से हम सीधा सीधा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों से जुड़ जाते हैं। इसका यदि आप रंग देखेंगे इस पवित्र ग्रंथ का, तो बहुत पुराना है, रंग भी उड़ चुका है और ये कम से कम 10-12 साल से ज़्यादा पुरानी है। जब भी हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें प्रभु श्री राम की लीलाओं को समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सीधा सीधा हम उनके चरणों से जुड़ते हैं और उसके बाद हमें शांति प्राप्त होती है, हमारा चित्त शांत होता है, हमारे मस्तिष्क में चलते हुए जो थॉट्स है वो खत्म होते हैं और हमारा मन जागृत होता है। इसके बाद जो दूसरा पवित्र ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। अब इसका अध्ययन करने से हम जुड़ जाते हैं सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण से, जो आज इस घोर कलयुग में अपने अंतिम अवतार के साथ विराजमान है, जिसे हम कलगी के नाम से जानते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ने से हमें क्या फायदा होता है? जब भी हम उनके बाल रूप की कथाओं को पढ़ते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन में अनेकों प्रकार के चमत्कार किए, उन चीज़ों को पढ़ने के बाद जब हम उन चीज़ों से ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ खेल रहे हैं, समस्त देवी देवता हमारे साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा ग्रंथ है वो थोड़ा सा खतरनाक ज़रूर है,
परंतु जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ की यानी उस आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा की गोद में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तीसरा ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ। दोस्तों, इसको पढ़ने से हम नकारात्मक शक्तियों पे किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से तंत्रों मंत्रों यंत्रों से लड़ते हैं, वो ज्ञान हमारी माँ हमें प्रदान करती है। जब हम इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ महाकाली माँ, हम उनकी गोद में बैठे हैं और वो हमें अपनी ममता प्रदान कर रही हैं, अपना स्नेह दे रही हैं। दोस्तों, ये वो पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं हमारे बीच में उतारा है। लेकिन इसी के विपरीत आज के समय में उपाय के नाम पर कुछ ऐसे ढोंग ढकोसले हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक तरफ हम उपाय करते हैं अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए और एक तरफ हम इन पवित्र ग्रंथों का अनुभव करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। दो व्यक्ति हो गए, एक उपाय कर रहा है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, दूसरा व्यक्ति शून्यता में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। दोनों किरदारों में कितना अंतर है आप सभी लोगों के सामने है। एक किरदार जो इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है यानी कि हनुदास, उसके बाद दूसरा वो किरदार जो उपाय करने के बाद वहीं का वहीं है यानी वो जो आज की वीडियो देख रहा है यानी आप सब लोग। हम ये नहीं कहते कि आप सभी लोग साधु संत बन जाइए, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाइए। नहीं, आप सिर्फ यही कीजिए कि जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं अपनी कर्म इच्छाओं को चिरंजीवी हनुमान जी के चरणों में समर्पित कीजिए और दिन में कुछ समय निकालिए ताकि आप रामचरितमानस के कुछ दोहे पढ़ सकें, श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ सके और दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक या इसके बाद जो 700 श्लोकों में जो उनके अध्याय हैं वो पढ़ सके, क्षमा स्त्रोत्र पढ़ सके, कुंजिका पढ़ सके। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो आप पढ़ सके। यदि आप अपने जीवन में लगातार इन चीज़ों का थोड़ा 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 अध्ययन करेंगे तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन होगा। दोस्तों, उपायों में कुछ नहीं रखा, ये हम जैसे लोगों ने और आप जैसे लोगों ने मिलकर बनाए हैं अपने दिल और दिमाग को झूठी तसल्ली देने के लिए। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन चीज़ों को समझिए क्योंकि इन चीज़ों से कभी भी आपका जीवन सफल नहीं होगा। लेकिन यदि आप भगवान के चरणों से स्वयं जुड़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका जीवन उन ऊंचाइयों तक जाएगा जहाँ हम आज बैठे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें अभी हम सामने नहीं ला सकते, परंतु एक छोटा सा उसका जो हिस्सा है जिसे हम सामने अवश्य दिखाएंगे वो है चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की वाणी जिसे हम कलिहनी वाणी कहते हैं। ये एक महाज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसके अध्ययन से हम सीधा सीधा श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ते हैं और सीधा सीधा अर्पण के माध्यम से अपनी कर्म इच्छाओं को समर्पित करते हैं। यदि ये किरदार जिसका नाम हनुदास है ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमारी बातें आपको लेक्चर जैसी अवश्य लगेंगी लेकिन जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा वो ही सफल होगा और पुरुषार्थ करने से ही आप सभी लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको उपाय बताए हैं, जिस व्यक्ति के बताने से आप उपाय कर रहे हैं, आप स्वयं नहीं जानते कि वो उपाय कारगर है या नहीं, क्योंकि ये भ्रम है जो हमारे तन और मन ने स्वयं बनाए। इसलिए हम आप सभी लोगों को भगवान के नाम से जोड़ करके उस पवित्र ग्रंथों से जोड़ना चाहते हैं जो हमारे सिर का ताज है। इन चीज़ों का अध्ययन कीजिए ताकि आपको एक चिंगारी प्राप्त हो जिसका नाम है मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्यों मनुष्य का जीवन मिला है। 6 साल के बाद आज इस किरदार को चिंगारी प्राप्त हुई है कुछ समय पहले कि हु एम आई, वॉट एम आई और मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। हम निकल चुके हैं अपने मार्ग पर ये ढूंढने के लिए कि हम कौन हैं। पंक्तियों में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है लेकिन एक अच्छी मछली क्या सारे तालाब को अच्छा कर सकती है। एक साधु यदि 10 राक्षसों के बीच में बैठ जाए तो क्या वो साधु अपनी कर्म इच्छाओं की शक्ति से उन राक्षसों को साधुओं में तब्दील कर सकता है। बहुत
अचंभा होगा इन चीजों को करने से, बहुत मुश्किल है, असंभव है, लेकिन जो किरदार, जो पुण्य आत्मा उस परमेश्वर की आज्ञा से एक देह में धारण हो करके एक ऐसे समाज में उतरी है जिससे वो दूसरे लोगों को परमात्मा के चरणों से जुड़ रही है, वो अवश्य कार्य कर सकती है। इस पहेली को आप हमारे जीवन से जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि हम मुख्य समाज के लोगों में उतर कर उन्हें मोक्ष प्रदान कर रहे हैं इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से। यदि ये वीडियो आप सभी लोग समझेंगे, पहेलियों को सुलझाएंगे, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर वो वाक्य कहेंगे, तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि हम विधि के विधान के विरुद्ध जा रहे हैं, परंतु क्या करें, ये कार्य हमें तो करना ही है, लेकिन अब हम वो कार्य अवश्य करेंगे जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे और अंत में आप मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। सिर्फ इतना ही कहते हैं, इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल की वीडियोस को पूरा अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से ये चैनल आगे जाएगा। बहुत जल्द आप सभी लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।